हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज़ द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। नाउ डेली के बेसिस पर हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं और हर एक पेज से जो है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कल रात से हैवी रेन हो रही है, पावर कट यहाँ पर देखने को मिला, तभी कल आंसर राइटिंग का जो एनालिसिस है वो नहीं मिला होगा और 4th-5th June का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ओवरऑल न्यूज़पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, फार्मर्स अनहैप्पी हैं फिर भी, ठीक है, खुश नहीं है, क्यों है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इसके पीछे कोई रीज़न है बड़ा वो डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस के बेसिस पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, जो भारत ने भी सपोर्ट किया था, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, अभी ये कैसे मदद करेंगे भारत की वो भी डिस्कस करेंगे। कल भी हमने डिस्कस किया था इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। ग्रीन इकोनॉमी जानेंगे, दिल्ली का क्या है डिजास्टर प्लान। राइट, कुछ स्टडी के बारे में जानेंगे जो आप यूपीएससी मेंस में यूज़ कर सकते हो। आसाम का 7th National Park को यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है, कौन सा नेशनल पार्क है वो भी जानेंगे। म्यूकोर माइकोसिस में लोगों को बेड नहीं मिले, बट यहाँ पर टर्म है म्यूकोर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल में जानेंगे। कुछ एडिटोरियल्स हम डिस्कस कर लेंगे, कारा क्या होता है ये भी जानेंगे। राइट, G7 कंट्रीज़, इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ई कोर्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, इस पर आंसर राइटिंग भी आज हम करने वाले हैं। राइट, और मंडे टू फ्राइडे डेली एक आंसर राइटिंग भी हम करते हैं। फिशिंग क्या होती है इसको मैं समझाऊंगा आपको। पक्के टाइगर रिजर्व, ओके, मैं आज टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जितने भी हैं, कौन कौन सी बॉडी उसमें इन्वॉल्व रहती है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जेन्यून चैनल्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यूपीएससी में, उनमें से एक चैनल है पीआर पब्लिकेशन, तो सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीआर पब्लिकेशन तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर मिलता क्या है, डेली के बेसिस पर एक यूपीएससी यानी कि जो जिससे आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं यूपीएससी मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है डेली के बेसिस पर, जो हमारे पेड यूज़र होते हैं उनकी आंसर जो राइटिंग है हम शेयर कर देते हैं आपसे, मतलब उनका हार्डवर्क आपसे शेयर करते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के हो, दोनों आप फ्री में बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन के गाइडेंस में रहते हुए अपनी यूपीएससी जर्नी को सक्सेस बनाना, तो आप अब हमारा ईयरली प्लान ले सकते हैं, ₹499 है, एक साल द हिंदू के नोट्स, मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग, NCERT 6th-12th नोट, फोन गाइडेंस आपको मिलेगी सिर्फ ₹499 में। डेडिकेटेड एस्पिरेंट NCERT अभी रिवाइज कर रहे हैं, CSET के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉम्बाइंड प्लान है और ये लाइफ टाइम है, एक बार आपने टेस्ट सीरीज ले ली या CSET प्लान ले लिया फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ₹999 का ये प्लान है। ओके, तीनों ही सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। नाउ डिस्कस करते हैं सबसे पहले न्यूज़, सेंटर ने अनाउंस किया है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पैडी पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। राइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपने सुना होगा, हमेशा जो है चावल है गेहूं है इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं और जिस पे किसान जनरली फिर एक मोनोटोनस एक तरह से सिर्फ एक ही फसल वो उगाने लग जाते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने बोला है कि हम पैडी पल्सेज ऑयल सीड्स के लिए भी MSP को बढ़ाने वाले हैं ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो फार्मर्स हैं वो देखें। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या इनको याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्या प्रीलिम्स में ये पूछे जाएंगे खरीफ सीजन में कितने क्विंटल कितना मिलने वाला है। राइट, इसको नहीं करना, बट आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में जानना है कि ये पूरा डिसीजन लेता कौन है, यानी कि अगर किसी फसल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं किसानों से ज़्यादा दामों में सरकार खरीदेगी, ये सब कौन अप्रूव करता है, वो है डिसीजन लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये हमेशा याद रखना, CCEA प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों लिया गया ये पूरा डिसीजन, इनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ताकि किसान भी सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गेहूं या चावल की खेती पर ही डिपेंड रहें। ठीक है, स्लाइटली सभी पल्सेज ऑयल सीड सीरियल्स में MSP बढ़ाए जाने लगी है। MSP होता क्या, बहुत सिंपल है यार, सरकार जो है किसान जो है फसल उगाते हैं और उनकी फसल को खरीदता कौन है, सरकार खरीदती है, तो जितने दाम में खरीदती है उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। बट एक मुद्दा यहाँ पर यह है, देखिए, फार्मर्स ग्रुप अनहैप्पी विथ इंक्रीज इन पैडी प्राइसेस, ऐसा क्यों किसानों ने कहा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
अगर अपना व्यू पॉइंट आप रख सकते हैं तो। बट कोई इशू नहीं है, कमेंट आपने कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये जान लीजिए कि क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर सरकार देती है तो क्या उसके लिए कोई एक स्टैच्यूटरी लॉ है, यानी कोई कानूनी तरीका है जिसकी एमएसपी पूरी तरह डिफाइन है? नहीं। अभी जो सेंटर ने तीन एग्रीकल्चर लॉ लाए थे, तीन फार्म लॉज लाए थे, उसमें भी यही दिक्कत थी कि एक स्टैच्यूटरी लॉ नहीं था। मतलब एक कानूनी, एक होता ना कि एक एक्ट होता है जिसके बेसिस पर ये इंश्योर किया जाता है। अगर आप कोर्ट में जाते हो, किसी पर्सन ने आपको रोका या पुलिस ने आपको रोका, तो आप पुलिस से पूछते हो कि आप किस धारा के अंदर मुझे रोक रहे हो, तो पुलिस बताएगी हाँ इंडियन पिनल कोड में ये पर्टिकुलर ये सेक्शन है और ये कानून है, आप इसके बेसिस पर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये आपको, मतलब एक्स पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मतलब एक लीगल अथॉरिटी है। बट जब भी एमएसपी की बात आती है तो देयर इज नो मैकेनिज्म दैट गारंटी दैट एवरी फार्मर कैन गेट एटलीस्ट द एमएसपी एज द फ्लोर प्राइस इन द मार्केट, राइट? यानी कि कोई स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट नहीं है, कोई एक कानून नहीं है जिसके बेसिस पर यह तय किया गया है कि एमएसपी आपको इतना सभी किसानों को मिलेगी ही मिलेगी। वो हर स्टेट में कभी ज़्यादा मिल जाती है, कभी कम मिल जाती है, यानी कि स्टैच्यूटरी लीगल बैकिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि एमएसपी अगर सरकार अनाउंस कर रही है तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि किस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, फार्मर सेक्शन की, उनको इंश्योर नहीं है क्योंकि एक स्ट्रक्चरी लीगल बैकिंग नहीं है। ओके, ये मेंस का मुद्दा हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रिलिम्स के मुद्दे भी बताता हूँ। नाउ आज के नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी होती क्या? यार अभी तक सरकार ने 22 ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप हैं जिस पे रिकमेंडेशन देती है। देखो एक चीज प्रिलिम्स के लिए याद रखना, अप्रूव कौन करती है? अप्रूव करती है सीसी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, CCEA अप्रूव करती है। समझ में आ रहा है? रिकमेंडेशन अलग जो है बॉडी देती है, वो कौन है? रिकमेंडेशन किसकी होती है? वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि CACP रिकमेंडेशन देती है कि हाँ सरकार इतना इतना बनाना चाहिए, फिर सरकार उसको अप्रूव करती है, राइट? आप कहोगे सर इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए CACP, तो ये लीजिए CACP है क्या। ये टॉपिक आपका आएगा इकोनॉमिक्स प्रिलिम सेक्शन में, मेंस में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। CACP एक ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ऑफिस है जो रिकमेंडेशन देता है। 1985 से इसका पहले नाम हुआ करता था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, बट उसको बाद में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है कर दिया गया। इसका पूरा काम यही रहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कितना होना चाहिए उसकी रिकमेंडेशन देना सरकार को। बट एक्सेप्ट कौन करेगी आप सबको पता है, ठीक है? एक्सेप्ट करेगी CCEA। एज नाउ करेंटली CACP रिकमेंड करती है 23 कॉमोडिटीज को, जिसमें 7 सीरियल्स आते हैं, जिसमें पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल, मिलेट, बार्ले, रागी। 5 पल्सेस हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उरद, लेंटिल। 7 ऑयल सीड्स भी हैं। बट क्या आपको इन सब के बारे में जानना है? नहीं, 2-3 के बारे में जान लीजिए ताकि इंटरव्यू में आप ऐसा रुके ना कि पैनलिस्ट ने पूछ लिया चलो 23 कॉमोडिटीज़ है, 5 कॉमोडिटी के नाम तो बताओ, ठीक है? आपको कि गन्ना है, कपास है, ठीक है, रॉ जूट है, तो इसमें सी ए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। मतलब ऐसी ये फसलें हैं जिसमें अगर किसान इनको उगाता है तो उसको जो सरकार बोलती है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, इतने पैसे में हम आपसे प्रोक्योर करेंगे, वो थोड़ा सा फिक्स रहता है। बट लूपहोल आप सबको पता है, लूपहोल क्या है? एक स्ट्रक्चरी बैकिंग नहीं है, एक सभी किसानों को मिलेगा ये इंश्योर नहीं है। आई थिंक मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक को प्रिलिम्स के प्रस्पेक्टिव से, मेंस के प्रस्पेक्टिव से, इंटरव्यू के प्रस्पेक्टिव से बता चुका हूँ, राइट? नाउ अब बात आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर बने, ठीक है, और इनका नाम है अब्दुल्ला साहिद, और ये मालदीव्स के हैं। और इंडिया और मालदीव्स के बारे में कल हमने रिलेशन भी जाना था, कल की वीडियोस आप देख सकते हैं, राइट? और इंडिया और मालदीव्स के पहले से भी रिलेशन है, चाइना बहुत ज़्यादा। देखिए पहले मालदीव्स है कहाँ? ये भारत है, ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका, और यहाँ पर इंडियन ओशन में यहाँ पर मालदीव्स है। अब सोचो कि यहाँ पर इंडियन ओशन में अभी प्रेजेंस कौन अपनी डोमिनेट करना चाहता है? वो है चाइना। तो चाइना को कंटेन करने के लिए हमें मालदीव्स के साथ, हम पहले से भी, भारत एक ऐसा देश है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, इन्होंने खुद बोला इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हु केम आउट सपोर्टिंग मी। इन्होंने खुद बोला कि मालदीव्स को सपोर्ट करने पर, जब COVID-19 का इतना चल रहा था, जब पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी, तो भारत ने मालदीव्स की मदद की थी। चाहे किसी में भी है, इकोनॉमिक एंगल देखें, स्ट्रेटेजिक एंगल देखें। कल मैंने ये भी बताया था ई-कुवेरिन, ठीक है, ये मिलिट्री एक्साइज है जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई है, ये प्रिलिम्स की न्यूज़ है। नाउ
ठीक है, ये मैंने पूरा मुद्दा तो बता दिया, बट अभी की न्यूज़ क्या है, इन्होंने बोला है कि अब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, तो इन्होंने बोला है कि वैक्सीन जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं देशों को डिस्ट्रॉय कर रही है पैंडेमिक को इराडिकेट करने के लिए। अब वैक्सीन नेशनलिज्म होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो मैं कहूँगा भारत की वैक्सीन के नाम बताओ, आपको कि कोविशील्ड को वैक्सीन, अफ्रीका की बताओ, ब्राज़ील की बताओ, यूएसए की बताओ, फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई। तो अब इसमें क्या होता है, कंपनी होड़ में लगी रहती हैं कि मैं वैक्सीन बनाऊंगी, मैं इसको करूंगी, ठीक है मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हूं तो मैं इसको वैक्सीन नहीं दूंगी। तो इस पर हर तो जनरली होना क्या चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, डेवलपिंग नेशन को देना चाहिए, जो पुअर नेशन है उनको देना चाहिए। बट वैक्सीन नेशनलिज्म का इन्होंने मुद्दा उठाया, जो कि एक सही बात भी है। दूसरा, हमने मालदीव्स को क्यों सपोर्ट किया, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुए थे, कैंडिडेट को पता नहीं था। हालांकि इस बार दो फॉरेन मिनिस्टर लड़े थे, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और मालदीव्स के थे, हालांकि दोनों ही हमारे जो देश हैं मित्र हैं, और पर जब कैंडिडेट का नाम अनाउंस भी नहीं हुआ था, भारत ने सपोर्ट किया था मालदीव्स की, हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे, इसके पीछे इंडिया और मालदीव्स के पहले से भी रिलेशन है। अब जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बन चुके हैं अब्दुल्ला साहिद, तो कॉमन इश्यू जो इंडिया के फेवर में होंगे उनके सपोर्ट में ये हमेशा आगे आएंगे। ये एक फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। अब ग्राउंड लेवल पर आप ये लड़ते रहते हो घर में कि पानी नहीं आ रहा या बिजली नहीं आ रही, पावर कट हो रहा, ये सब चीज़ें होंगी, बट फॉरेन पॉलिसी यही पर मैटर करती है, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये ह्यूमन राइट का मैटर है, उस मुद्दे को उठाएंगे। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन इश्यू को मालदीव्स फ्यूचर में क्या करेगा, इनको इस मुद्दे को डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि मालदीव्स हमारा जो है अच्छा मित्र भी है, राइट। कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा अगर किसी दूसरा देश का अगर फॉरेन मिनिस्टर यूएनजी के प्रेसिडेंट बनते तो मे बी जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लाया जाता, बट अभी इंडिया को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक हमारा यूनिलैटरल मुद्दा है, ठीक है, जनरली बायलैटरल भी आप कह सकते हो, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का, और थर्ड कंट्री इसमें इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। चलिए, ग्रीन इकोनॉमी। हालांकि ये पूरी न्यूज़ दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली 2041 मास्टर प्लान अभी तय कर रही है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, बहुत सिंपल है यार, कि पॉल्यूशन ना होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ होना, जो सोलर पैनल्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ होना। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन इकोनॉमी इस्टेब्लिश करनी है, एक ग्रीन डेवलपमेंट एरिया बनाया जाएगा डेडिकेटेड, ठीक है, एक ऐसा एरिया होगा जहां ग्रीन इकोनॉमीज को प्रमोट किया जाएगा। मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं जिससे कि आप समझ सकते हैं, यानी कि पॉल्यूशन को एड्रेस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज है इनको क्या किया जाएगा। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वैकुलर जो पॉल्यूशन है उनको कम किया जाएगा, मल्टी मॉडल हब्स है, इनकरेजिंग ग्रीन मोबिलिटी एंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ MPD 2041, राइट, जिसमें पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बोला जाएगा कि विल नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेट विद इन दिल्ली, ठीक है। अब जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट करती है, आप दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी। तो ये मैं कहूँगा कि दिल्ली, देखिए अगर पूरे वर्ल्ड में अगर आप सर्च करोगे गूगल में कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटिंग सिटीज़ कौन सी है, तो टॉप 10 की लिस्ट में टॉप अंडर 5 में दिल्ली का नाम आएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे 2041 का मास्टर प्लान यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। दूसरा, इसमें दिल्ली ने यह भी बोला है कि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ पूरी रोड ऐसी नहीं होंगी इस एरिया में कि सिर्फ जो चौपहिया वाहन है या दोपहिया वाहन है, जिसे आप कहते हो मोटरसाइकिल दोपहिया होगी और जो कार हो गई चौपहिया हो गई, ये बहुत ज़्यादा व्हीकल जो पॉल्यूशन एमिट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि साइकिलेबल और वॉकेबल स्ट्रीट्स भी बनाई जाएंगी, जो मैं कहूँगा कि एक अच्छा यहाँ पर एक डिसीजन लिया है 2021 के मास्टर प्लान के लिए, ओके। चलिए, यूपीएससी मेंस में यूज़ कर सकते हो। अभी अभी एक स्टडी में देखने को मिला यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में, ठीक है, जब वीमेन डिलीवरी जो टाइम होता है उसके बाद उनको कुछ रेस्ट मिलता है 4 से 5 वीक का, तो 60% ऑफ मदर रिटर्न टू वर्क विद इन 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, ये स्टडी रिवील करती है, जो कि एक गलत भी है, क्योंकि 1 साल तक जो मदर की जो ब्रेस्ट फीडिंग उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या एक बड़ा मुद्दा है, ये हाँ एक बड़ा मुद्दा है, बट इसको क्या बड़े मुद्दे की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा डिटेल में, नहीं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 या 250 शब्दों में, ठीक है। तो यूपीएससी के बेसिस पर
स्टडी में ये देखने को मिला है दैट हैज शोन दैट 6 months ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वॉज डिफिकल्ट एज 38% ऑफ मदर रिटर्न टू वर्क अंडर द 3 months ऑफ डिलीवरी, मतलब 3 महीने की डिलीवरी के अंदर ही वो अपना वर्क ज्वाइन कर लेती हैं ताकि वर्क प्रेशर भी होता है, ठीक है। 60% विद इन द 6 months ऑफ डिलीवरी लीडिंग टू अर्ली वियनिंग, राइट। तो ये सब यूपीएससी मेन्स में यूज कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है, 150 शब्द में पूछा जा रहा है तो इसे एक लाइन में यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, ऑफ द 21 हु हैड ए चाइल्ड अंडर 6 months 14 रिपोर्टेड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, बाकी नहीं करवाती, जो कि एक मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। इनडायरेक्टली आप इसको किससे, मैं कहूँगा इनडायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की कभी कभी आती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इसको आप हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हो, GS2 में भी यूज़ कर सकते हो, GS2 वैसे हेल्थ का ही टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आती है, आसाम का 7th नेशनल पार्क देहिंग पटकई जो है उसको अप्रूव किया गया है, जिसमें 47 स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इंक्लूडिंग टाइगर भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। इससे पहले जो आसाम में नेशनल पार्क हैं जिसमें काजीरंगा, मानस, नामरी, ओरंग, दिब्रू ये आते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और ये टाइगर रिजर्व भी हैं, उसके साथ नामरी और ओरंग ये टाइगर रिजर्व है। नाउ 7th नेशनल पार्क आ चुका है आसाम में देहिंग पटकई, राइट। इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स क्या पूछेगी, यस, सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पर। अब ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि इलीगली कोल माइनिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि यार इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं रेप्टाइल्स मैमल्स की, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टाइगर जो रिजर्व होती है उसको NTCA जो है एडमिनिस्ट्रेटर करती है। इनिशियली सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे और बाद में ये नंबर 50 से भी ज़्यादा बढ़ गए। अभी भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें 17 राज्यों में वो फैले हुए हैं। 70% पूरे वर्ल्ड के टाइगर कहाँ हैं, भारत के टाइगर रिजर्व में, सोचो बहुत बड़ी बात है। और टाइगर रिजर्व को अलग अलग पार्ट में, एक कोर जोन, एक बफर जोन में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए टाइगर को हमने बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया। आपसे ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने का एयर, क्या यूपीएससी में ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, यस पूछी जाएगी। हमेशा एयर तो आप प्रिवेलेंट सोचो कि एयर तो पूछा ही जाएगा, तो एयर आपको याद करना है। 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व से ये स्टार्ट किया गया था, राइट। 1973 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब बहुत बार ये भी बोला जाता है कि पलामाऊ जो टाइगर रिजर्व है झारखंड में है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो वहाँ से स्टार्ट किया गया था, बट कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से ये शुरू किया गया है, पर 1973 एयर याद रखें बस, ठीक है। और उसके लिए NTCA या एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको 2006 में बनाया गया था, राइट, जो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। रिसेंट अपडेट भी है, NTCA ने डेवलप किया था M-Stripes। नाउ M-Stripes का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था कि प्रॉपर लोकेशन देखना कि कहां पर टाइगर हैं, सर्विलांस करना, उनको मॉनिटर करना, और पहली बार भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये सभी साथ मिलकर आए थे कि हमें कहीं ना कहीं टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। M-Stripes से याद रखना, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है टाइगर पॉपुलेशन को, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ दूसरी न्यूज़ है कि नेशनल पार्क, देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क न्यूज़ में रहे हैं, उनमें से एक जो नेशनल पार्क जिसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो है डचिगम नेशनल पार्क, 1910 में बना था। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इसकी लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, नियर श्रीनगर, ठीक है। तो ये याद रखना, डचिगम नेशनल पार्क। आपसे पूछा कैसे जाएगा, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क है, ये स्टेट वाइज पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेट के जो भी करंट में रहे हैं नेशनल पार्क, वो आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है, म्यूकोरमाइकोसिस, पेशेंट लैक हॉस्पिटल बेड। अब म्यूकोरमाइकोसिस, देखिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर टर्म है म्यूकोरमाइकोसिस, और ये एक महीने से कुछ हम कराते आए हैं, और ब्लैक फंगस ही इसी को कहते हैं, तो इसको हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना, यहाँ पर से हम म्यूकोरमाइकोसिस को जान लेते हैं, राइट। नाउ ब्लैक फंगस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है, ब्लैक फंगस का एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, लंग्स और ब्रेन को ये डैमेज करता है, राइट। और बहुत सिंपल से नोज है, आईज में रेडनेस आती है, फीवर, हेडेक होता है इसमें, और एंटी फंगल मेडिसिन से, एम्फोटेरिसिन बी से ये सही भी हो जाता है, राइट।
नाउ प्रिलिम्स फैक्ट ये चीज़ याद रखना, म्यूकोरमाइकोसिस में ये पीपल टू पीपल स्प्रेड नहीं होता और पीपल टू एनिमल भी स्प्रेड नहीं होता। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कुछ एडिटोरियल। सबसे पहला, गवर्नमेंट को जो कोविड 19 के ड्यूरिंग जितने भी चिल्ड्रन ऑर्फन हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये पूरा एडिटोरियल आया है, क्या लार्ज इसको सेक्शन में पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं, इसके नोट्स भी नहीं बनाने, सिर्फ एक सेक्शन। आपसे पूछा जाएगा लॉकडाउन के या कोविड 19 के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो उस पर आपको ये बताना है। बट इससे जुड़े हुए जो चिल्ड्रन को कौन प्रोटेक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए हम बॉडी पढ़ लेते हैं, राइट। सबसे पहले देखिए, अगर किसी ऑल ओवर इंडिया किसी को अडॉप्ट करना है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो वो जुविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बेसिस पर आप अडॉप्ट करेंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी, क्योंकि देखिए अगर किसी को भी इलीगल एडॉप्शन से क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की खरीद फरोख होती है, कभी बांग्लादेश कभी म्यांमार उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोविड 19 के दौरान अगर किसी के भी अडॉप्ट करना है तो जुविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के लीगल फ्रेमवर्क के बेसिस पर उनको अडॉप्ट किया जाएगा। ये सिर्फ कोविड 19 के पेशेंट्स के लिए ही रिलेटेड नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स, प्रिजनर, जेल स्टाफ, जहाँ पर भी जितने भी जहाँ पर बच्चे हैं उनको, उनके लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई है। अब कौन है वो लीगल अथॉरिटी जिसके बेसिस पर जो अप्रूवल देती है कि हाँ ये अडॉप्शन लीगल है? तो वो है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। तो ये आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखना है। दो, देखिए ऑल ओवर इंडिया में दो बॉडीज़ हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं, दो चीज़। पहली है कारा और दूसरी आप सबको पता है NCPCR। ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR, ठीक है। अभी वो क्या करने में लगी है कि यार जितने बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हुई है, सिंगल पेरेंट की डेथ हुई है, उनको क्या कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी लिस्ट बना रहे हैं, और उसके बेसिस पर कोई अडॉप्ट करना चाहेगा तो उनको अप्रूवल NCPCR नहीं देगी कि लीगल गाइडलाइन के, उनके बेसिस पर कारा देगी, ठीक है। तो ये दो प्रिलिम्स के फैक्ट हमेशा याद रखना, तो इन दोनों को हम कर लेते हैं। नाउ सबसे पहला है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास साइन होके आएगा तो बिल एक्ट में बदल जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। ये एक नोडल बॉडी है अडॉप्शन के लिए ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। अगर कोई देश के बाहर भी, सपोज मान के चलो कोई USA के पेरेंट्स से हैं, अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी इंडियन बच्चे को, तो वो भी कारा ही देखती है, राइट। ये सब चीज़ याद रखना। और कारा किस प्रोविज़न के बेसिस पर बनी है? हेग कन्वेंशन, हेग नीदरलैंड में है, ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। और भारत सरकार ने क्या इसको रेटिफाई किया है? यस, रेटिफाई किया है। तभी USA के जो पेरेंट्स हैं या कुछ लोग होते हैं, अगर भारत के किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कन्वेंशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड इंप्लीमेंट होता है, हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, राइट। अब जिसको जो कंट्री उसको रेटिफाई करेगी वही उसके बेसिस पर हर एक जो कंट्री होती है उसको नेशनल पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है, तो कारा उसी के अंतर्गत बना है। रेटिफाई कब किया गया था भारत ने? 2003। अब क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि हेग कन्वेंशन, इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या भारत ने रेटिफाई किया है? नहीं किया है। दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, राइट। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम। इसका एक्ट आया था 2005 में। जनरली ये लिस्ट बनाना, मॉनिटर करना, ये सब ये बॉडी काम करती है। अप्रूवल कारा देगी, मॉनिटर लिस्ट ये बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आती है, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आती है G7। देखिए G7 कंट्रीज़ उन कंट्री का ग्रुप है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे USA है, जर्मनी है, फ्रांस है, राइट, जापान है। तो फाइनेंस मिनिस्टर सभी G7 नेशन के मिलते हैं और बोलते हैं कि हम यूनिफॉर्म 15% का टैक्स लगाएंगे। जनरली ये फेसबुक, व्हाट्सएप या जो जाइंट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उन पर 15% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल टैक्स, राइट। अब ये होता क्या है, डिजिटल टैक्स भी जैसा डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बेसिस पर कोविड 19 ने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को श्रिंक कर दिया, तो इसके बेसिस पर डेवलप्ड कंट्रीज आई, बोली इन्होंने कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ग्लोबली लेवल पर, तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम टैक्स रखेंगे 15%। अब आप कहोगे सर यार कंपनी के बेसिस पर तो वो लोग टैक्स देती हैं, तो ये मिनिमम टैक्स रखने का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए उसके लिए आपको जानना पड़ेगा UPSC जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी का एक सेक्शन, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये हमेशा UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ही नंबर पे होंगे, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप
क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में होता क्या है कि सपोज एक कंट्री है, जैसे वियतनाम मान के चलो, एक कंट्री इंडिया को ले लेते हैं, दोनों ही जगह एमएनसी कंपनी स्टेब्लिश है और वही कंपनी सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है इंडिया में स्टेब्लिश है, उसकी ब्रांच है वियतनाम में। अब पेरेंट कंपनी कहाँ है, एक्स वाई जेड इंडिया में है। अब ये क्या बोल रही है कि भारत सरकार का कानून है कि ये इस कंपनी के जितना भी प्रॉफिट होगा उसका, जो भी टर्नओवर होगा उसके बेसिस पे वो उस कंपनी में लगाएगी आपका कुछ 18% मान के चलो, राइट? ठीक है, तो अब ये कंपनी कहेगी यार और दूसरी कंट्री में भी देख लेते हैं। तो वियतनाम जैसी छोटी छोटी कंट्रीज जो ऐसी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी से मिनिमम टैक्स से लेके मैक्सिमम आउटपुट लेती हैं, तो वियतनाम हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, इवन दुबई भी ऐसा करती है। तो अब ये क्या करती है, इन कंपनी को ऑफर देती है एक्स वाई जेड की, आप इंडिया में मत करो, आप क्या करो वियतनाम में आओ, इंडिया आपसे 18% ले रही है तो हम आपसे 6% लेंगे, आप अपनी पेरेंट कंपनी या अपना पूरा जो डे टू डे वर्क है एडमिनिस्ट्रेशन आप यहां से चलाओ। तो अब इस पे क्या होगा, ये कंपनी राजी हो जाएगी क्योंकि भारत में इसको 18% देना पड़ रहा है अपने प्रॉफिट का पूरा हिस्सा। ठीक है, अगर 100 रुपये ये कंपनी कमा रही है तो 18 रुपये भारतीय सरकार को जाएगा, बट वियतनाम कहेगा 100 रुपये आप कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ 6 रुपये दे दो। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ, अब इससे क्या होता है, देखो जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएसए है, जर्मनी है, अगर मेजर अगर आप देखो कि साउथ कोरिया की जो कंपनी है हुंडई, उसको जितना ज़्यादा फायदा हो रहा है वो अगर इंडिया में है उसको 18% देना पड़ेगा, अगर उसकी जो कंपनी डे टू डे वर्क वियतनाम में अगर चल रहा है तो उसको 6 रुपये देने पड़ेगा। तो हर एक कंपनी क्या जाती है, प्रॉफिट जाती है। तो इसी को कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि उस कंट्री में जाओ कम टैक्स है और जो प्रॉफिट है उसको कम कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट किसको जो कंट्री को देना पड़ता है उसको कम देना पड़ रहा है, अपने को ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पे सभी कंट्री आई बोली कि यार वैसे ही कोविड-19 ने जो इकोनॉमी श्रिंक किया है, अब क्या करो, मिनिमम टैक्स आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट? तो सभी कंट्री ये लगाएंगी तो ये फायदा ही होगा, राइट? तो आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट और यूपीएससी मेंस में इसको आंसर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है फेडरलिज्म से रिलेटेड, डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए हर सेंटर और स्टेट में ये चलता रहता है, सेंटर में अलग पार्टी है, स्टेट में अलग पार्टी रहती है। जैसे सेंटर में अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और वेस्ट बंगाल में टीएमसी, राइट? अब दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है, अभी जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं वो भी हमेशा सेंटर के बेसिस पे ही वेस्ट बंगाल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में टसल चलता है। इवन अभी साइक्लोन यास के बेसिस पे मीटिंग हुई थी तो ममता बनर्जी गई थी और चीफ सेक्रेटरी, आप सबको पता आईएएस का सबसे छोटा पद, जो आप क्रैक करोगे यूपीएससी तो आईएएस बनोगे, बट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो चीफ सेक्रेटरी में होती है, राइट? अब उसके अंदर बहुत सारे 10 से 15 आईएएस काम करते हैं। तो अब हुआ क्या कि ममता बनर्जी कुछ लेट गई तो उन्होंने उस वीडियो में वो सेक्शन लिया नहीं, तो सेंटर ने बोला ये तो आए नहीं, और ममता बनर्जी ने बोला कि सेंटर उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा फंड्स जो दूसरे स्टेट को कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी पार्टी है, सेंटर में अलग पार्टी है। तो अब इस पे क्या होता है कि ममता बनर्जी का तो देखो स्टेट की सीएम है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि डेमोक्रेटली इलेक्टेड है वो मेंबर हैं, बट जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस रैंक के होते हैं, राइट? अब इस पे सेंटर का एक कानून है कि वो ट्रांसफ़र वगैरह करवा सकते हैं बट स्टेट से पूछ के करवाएंगे। इस केस में चीफ सेक्रेटरी थोड़ा सा मीटिंग में लेट हुआ तो ममता बनर्जी के साथ गए थे चीफ सेक्रेटरी, तो अब इस पे क्या हुआ कि चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र कर दिया गया सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। अब हुआ क्या, उन्होंने रिटायर कर दिया, उन्होंने बोला कि रिज़ाइन कर दिया उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, और अब वो एडवाइज़र की तरह काम करते हैं। अब इससे पूरा समझ में आ रहा है कि यार सेंटर ने बिना स्टेट से कॉन्करेंस के उनका ट्रांसफ़र करा दिया है, जो कि लीगली लेवल पे, हालांकि पूरा डोमिनेटिंग जो पूरा एक्ट का पावर सेंटर के पास है, बट कॉन्करेंस का एक प्रोविज़न है कि पूछा जाता है राज्य सरकार से कि यार इनका अगर ट्रांसफ़र कराना है, क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी लेवल, जैसा मैंने बोला, सबसे हाई लेवल की, जब आप आईएएस अगर कम उम्र में बन गए तो चीफ सेक्रेटरी रैंक तक आप जा सकते हो, राइट? तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को यहाँ पर वीकन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ पर वीकन किया जा रहा है। तो ये पूरी आप न्यूज़ समझ चुके हैं। ऊपर से धनकर, ठीक है, गवर्नर जो धनकर हैं, अब वो क्या होते हैं, सेंटर के अपॉइंटेड वो हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, खुले में, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो धनकर साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे ना इलेक्शन होने के बाद भी,
गवर्नर ऐसी पोस्ट है जहां पर जिनको ऐसे विजिट नहीं करना पड़ता, ये लॉ मेकर्स का काम है, तो उन्होंने विजिट किया, जो कि फेडरलिज्म का पूरा वॉयलेशन है। फेडरलिज्म होता क्या है? सेंटर के अलग कानून होंगे, राज्यों के अलग कानून होंगे, सेंटर की अलग पावर है, राज्यों की अलग पावर है। तो डायरेक्टली अम्बेडकर ये चाहते थे कि यार सेंटर डोमिनेट ना कर पाए राज्यों में, जो कि एक सही बात भी है, राइट। तो अम्बेडकर फेथ इन द सेंटर एंड द गवर्नर सीम्स मिसप्लेस्ड सिंस मोस्ट गवर्नर स्पेशली इन द रिसेंट टाइम हैव प्रूव्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। यानी कि सेंटर की बात मानने, वो एक तरह पार्टी ओरिएंटेड, मतलब यार गवर्नर प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट है जो जिनको किसी पार्टी से जोड़ा नहीं जाता। हालांकि उनका इलेक्शन जैसे पार्टी के बेसिस पर होता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता कि, बट यार किसी पार्टी के लिए ओरिएंट नहीं होती है ऐसी पोस्ट, ठीक है, जो कि फेडरलिज्म को वीक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वीकन कर रही है। जैसा मैंने बोला, वेस्ट बंगाल में गवर्नर का एक्शन आपको देखने को मिला है, राइट। इफ द सेंटर कंटिन्यू विथ इट्स मेथड ऑफ यूजिंग सेंट्रल एजेंसी का यूज़ कर रही है, NIA का यूज़ कर रही है सप्रेस करने के लिए, गवर्नर का यूज़ कर रही है, तो जो कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, फेडरलिज्म को वीक करेगा, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, आप सबको पता है मिस्टर एक्स तिवारी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनको 20 साल तक जेल में रहना पड़ा था, फॉल्स रेप चार्जेज उन पर लगे थे। वो किसके वजह से हुआ था? उसके पीछे एक रीज़न था कि यार उनकी कभी फाइल, जब उनको वो कुछ ट्राइबल वीमेन थी, वो एक्चुअल रीज़न ये था कि जो ज़मीन का था वो ज़मीन तिवारी जी की थी, ठीक है, एक्स तिवारी मान लो, और उसके चलते हुए जब ये लफड़ा चल रहा था तो फॉल्सली रेप चार्जेस लगाए और 20 साल तक जो है वो जेल में रहे। अभी अभी वो डिसीजन आया था और उनको पूरी फ्री हो चुके हैं वो, बट उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अभी वीक है, डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था यार, जब उनको जेल में डाल दिया गया और उस दौरान उनके पिताजी की, उनके भाइयों की डेथ हो गई थी, यानी कि उन्होंने फैमिली खो दी उस केस के लिए जो फॉल्सली उन पर लगाया गया था एलिगेशन। तो होता क्या है फिर, उनके डॉक्यूमेंट, अब देखो जब उन्होंने अपने को बेल दिलाने की कोशिश की होगी, सबसे पहले तो यार एडवोकेट नहीं आ पाए, गवर्नमेंट एडवोकेट भी होते हैं, प्राइवेट जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट नालसा का यही कहता मतलब है, नालसा होता क्या है, इसमें जो लीगल एडवाइस है वो फ्री में दी जाती है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, राइट। तो नालसा में ये सब चीज़ें होती हैं, पर गवर्नमेंट के एडवोकेट भी इनको नहीं मिल पाए, कभी मिल पाते हैं, इन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट एडवोकेट को हायर किया गया होगा, तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, खुद डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिस थे। अब ये कभी ये फाइल बढ़ ही नहीं पाई, सोचो, ठीक है, मतलब उनका ट्रायल ही नहीं हुआ और फॉल्सली उनको 20 साल तक रहना पड़ा। तो इसके चलते हुए अभी ई कोर्ट प्रोजेक्ट सरकार ला रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेगी, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का। क्या यहाँ पर तिवारी जी का केस मेंशन था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, या कोई एग्जांपल या कोई स्टोरी बताई गई है रियल, वो नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया। और क्या ये रियल इंसिडेंट है? यस, ये रियल इंसिडेंट है, ठीक है। आप सबको उनका नाम पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए पूरा नाम क्या है, ठीक है। नाउ अब इस एडिटोरियल को शुरू करते हैं, मैंने इसका प्रीव्यू आपको दे दिया कि ये मैं बात क्या कर रहा हूँ। नाउ UPSC मेंस में आपको ये आंसर का जो रिपोर्ट है वो लिखनी है कि एक डाटा रिलीज किया गया सुप्रीम कोर्ट का जून 2020 में ई कमिटीज़ के द्वारा, 3.37 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स में, जिसमें 85,000 जो हैं 30 सालों से अटके पड़े हैं। सोचो, तिवारी जी को तो 20 साल में जेल से रिहा मिल गई, पर 30 साल से 85,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनको सॉल्व ही नहीं किया गया है। सोचो, उन पर ट्रायल ही नहीं हुआ है, मतलब कोई फॉल्सली भी होंगे, अगर किसी को 7 साल में जमानत भी मिल गई होगी तो वो भी वहाँ 30 साल से रुका हुआ है। तो 85,000 के ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं 30 सालों से, और नहीं तो कितने, कुछ 3.727 करोड़ पेंडिंग है। तो आप इसी रिपोर्ट के चलते हुए आप पूरा आंसर लिखोगे, राइट। तो इसके चलते हुए ई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की ये बोला कि हम ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है और तेज़ी से बढ़ाएंगे, जो फेज़ 3 है हम और तेज़ी से यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या फेज़ 3 क्या है, फेज़ 1 फेज़ 2 समझाइए सर। मैं कहूँगा फेज़ 1 बहुत सिंपल है और फेज़ 2 पूरा सिंपल है कि जुडिशरी को डिजिटाइज करना, मतलब आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो, केसेस को ट्रैक कर सकते हो, बार बार कोर्ट के पास सर 500 रुपये दे के, ऐसा नहीं कि यार मेरा केस कहाँ पर पेंडिंग है इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ऐसा नहीं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, जजमेंट ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, उसका क्या डिसीजन है आपको कोर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, जजमेंट भी ऑनलाइन क्या होगा, अपलोड हो जाएगा।
फेज़ थ्री भी अब यहाँ पर चला रहे हैं इन्हीं को बहुत तेज़ी से मॉनिटर करने के लिए, और ताकि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन पाए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी क्राइम हो रहा है अगर डाटा शेयर करना हो पाए। बट डाटा शेयर करना ठीक है, एक पुलिस यहाँ पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही होता है। हैदराबाद में अगर जो पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह कॉन्टैक्ट कर ले रही है उत्तराखंड के पुलिस स्टेशन से ऑनलाइन में ही, ठीक है, नहीं तो पहले परमिशन लो फिर जाओ फिर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मूवी है एक थीरन और रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, मैं कहूँगा आप लोग देखें। यूट्यूब पर क्या फ्री है? यस। क्या हिंदी में ये डब्ड है? यस, ठीक है। थीरन आप लोग मूवी देखना, बहुत अच्छी है और बहुत सारे मतलब एक तो पास्ट ट्राइबल लोगों के बारे में पता चलेगा आपको, दूसरा पुलिस जस्टिस सिस्टम कितना बुरा है वो भी आपको पता चलेगा कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंस्पेक्शन करने जा रहा है वो भी पुलिस ही डिपार्टमेंट है तो क्या क्या उनमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सस्पेंस थ्रिलर है, क्रिमिनल जो क्राइम थ्रिलर है, मज़ा भी आएगा, ठीक है, मूवी देखने में आपको। अभी टाइम मिले तो देखना कभी कभी। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को और ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट करना है, राइट। इसमें अब देखो ये ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि जितने भी केसेस हैं अगर इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया डाटा तो राइट टू प्राइवेसी का पूरा वॉयलेशन यहाँ पर हो सकता है। मतलब सोचो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, एक्स पर्सन आप डाटा दे रहे हो ये सब चीज़ें, तो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज ने के साथ आपने इंटरेक्ट किया है, जो भी फाइल सबमिट करी वो पूरा मान के चलो और इंडिया में ऑपरेट हो सकता है, फ्रीली वहाँ पर डाटा दिया जा सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी ब्रिज हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि आप ये कानून लाते हो ठीक है, बट राइट टू प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करते हुए चलना, जो कि 2017 का केस है और 2018 में फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 21। इस पर क्या होता है 360 यार अप्रोच अपनाई जाती है फेज थ्री में, फेज वन फेज टू में हमने बता दिया। फेज थ्री में क्या होता है, वंस एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मूव्स ऑनलाइन दियर पेन पेपर रजिस्टर विल बिकम एक्सेल सीट शेयरेबल विथ ए सिंगल क्लिक। एक क्लिक करेंगे आपका डाटा हैदराबाद के पास चले जाएगा, वहां पर कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी कंपनी भी ले सकती है उस डाटा को, राइट। चलिए तो इसको सही करने के लिए भी सॉल्यूशन है कि यार टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि डाटा सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, डाटा लोकलाइज्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा ब्रीच है कि यार डाटा लोकलाइज्ड होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी राइट टू प्राइवेसी की भी, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज्ड होगा तो, क्योंकि लोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर किसी का आपका डाटा अगर हैदराबाद लोकल पंचायत में रजिस्टर है तो वहीं तक रहने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड का कोई ग्राम प्रधान आ रहा बोलता है कि इसकी हमें डिटेल दो, वो नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए टू कंटिन्यू टू डू इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर फंडामेंटल राइट ई कोर्ट मस्ट मूव टुवर्ड्स लोकलाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। जीबी पंत हॉस्पिटल बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि डायरेक्टली पूछा जाए, बट एक दो तीन स्टेटमेंट का मुद्दा है जहां पर हम बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी हमारी, तब से ये कोट यूज़ कर सकते हो दैट आवर आइडेंटिटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय आवर ज्योग्राफी, हम कहाँ से जुड़े हैं किस ज्योग्राफी से आ रहे हैं वो भी हमारी आइडेंटिटी को बताता, तभी तो हम बोलते हैं आसामीज हैं बिहारीज हैं, ठीक है, उत्तर यूपी वाले भैया हैं ये तो, ठीक है, पहाड़ी है उत्तराखंड के लोगों को, हिमाचल के लोगों को पहाड़ी बोल दिया जाता है, मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं उससे आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर जीबी पंत हॉस्पिटल में ये बोला गया स्टाफ नर्सेस को कि आप क्या करो मलयालम में बात नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट समझ नहीं पाते, बट वो तो अपने स्टाफ में बात करती हैं, तो ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें इनडायरेक्टली बोलोगे बट सबसे पहले राइट टू लाइफ है, हम किस तरह से बोल रहे हैं, क्या खाने का अधिकार है, ये सब चीज़ें हमारी होंगी इसमें इंक्लूड, राइट। तो एडिटोरियल ने भी इस पूरे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया हुआ है, राइट। चलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को अभी टारगेट किया जा रहा है फिशिंग अटेम्प्ट में, मैं यहाँ पर आपको फिशिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। फिशिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक लिंक दूंगा, मैं बोलूँगा कि ये एयरली प्लान का लिंक है, आप क्लिक करोगे उसमें इंटरफेस खुलेगा फेसबुक का, तो गलत इंटरफेस, आप जैसे ईमेल पासवर्ड डालोगे मुझे मेरी ईमेल आईडी में मिल जाएगा, उसी को फिशिंग कहते हैं। फिशिंग का मतलब होता है एक सही इंटरफेस को गलत इंटरफेस में बदलना, फिशिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वर्कर्स स्ट्राइक पर गए हैं, मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करूँ तो हमारे काम की कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं है जिससे कि डायरेक्टली आईआर में भी क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। बाकी वही है, म्यांमार में बहुत सारे डेथ हुई स्टारवेशन भूख की वजह से, ओके, ये सब चीज़ें हैं। अजरबैजान में कराबाख रीजन में जो एरोदगन अभी विजिट करने वाले हैं, अजरबैजान
कराबाग जो रीजन है उस पर भी डिस्प्यूट चला था, जैसे इसराइल की और पैलेस्टाइन के बीच में चला है। क्वाड जो वैक्सीन पार्टनरशिप गोल स्टिल ऑन ट्रैक, यूएस ऑफिशियल ने बताया है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर अच्छा काम करने वाले हैं सभी लोग मिलकर, राइट। चलिए, बिजनेस न्यूज़ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब जो मैंने ई कोर्ट बताया था उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वही होता है कि यार जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं एजुकेटिंग क्राइम, करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट लॉ, इन सबको मॉनिटर करती है, इसी को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। टाइम पे उनको जो है अवार्ड मिलना, ट्रायल्स होना, ट्रांसग्रेशन और क्रिमिनल्स है, क्राइम को रोकना, ये सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। अब इस पर भारत के अलग अलग कानून हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ प्रोसीजर। आईपीसी क्या होता है कि डेफिनेशन दी जाती है उसको, कैसे आईपीसी में पता जाएगा मर्डर की डेफिनेशन क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, वो सीआरपीसी में लिखा गया है। क्यों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें अभी स्ट्रॉन्ग चाहिए? इनएफेक्टिवनेस है, आप सबको पता है कितना ज़्यादा डिले होता है। पेंडेंसी ऑफ केसेस, 3.27 करोड़ केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, राइट। बट यहाँ पर देखो, अब आपको कि सर वहाँ पर तो 3.27 करोड़ था, मैं कहूँगा कि अलग अलग रिपोर्ट आती है, बट मैं कहूँगा कि आप इस रिपोर्ट का यूज़ करें जो न्यूज़पेपर में नहीं दी गई है, बट जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट किया गया है कि 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ठीक है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ऑफिशियली है। मलिमत कमेटी की रिपोर्ट आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये हमेशा पूछा जाएगा कि मलिमत कमेटी रिपोर्ट किसके लिए है, तो ये मैंने प्रीलिम्स के लिए आपके लिए रखा गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन माधव मेनन कमेटी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कमेंट हम कल पढ़ते हैं। आज का जो एंड कोड रखना, हैवी रेन रखना, ठीक है, तो वही पुट कीजिए। थैंक यू।